मैं हूं दोस्तों जमीन से काफी नीचे और मैं हूं आज जोधा भाई के मकबरे के पास में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक सुना, मैं हूं जोधा भाई के मकबरे के पास में। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मरियम उज़ ज़मानी, मतलब कि मलिका हिंदुस्तान, मतलब जोधा भाई का मकबरा, जो कि आगरा के सिकंदरा में है। ठीक है, और आज मैं उनका मकबरा दिखाऊंगा और उनसे जुड़ा इतिहास बताऊंगा। तो हम लोग जो है पहले मकबरे के अंदर जाते हैं और उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और इस मकबरे का जो दोस्तों वह अकबर का जो मकबरा है, अकबर जो जलालुद्दीन अकबर जो उनके मकबरे से ठीक 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे बनाया गया है। ठीक है, और हम लोग जो अब इसके अंदर चलते हैं और हम लोग जो है दोस्तों अब इस मकबरे के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और इस मकबरे के अंदर का व्यू दिखाएंगे। इस मकबरे के अंदर का व्यू दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको भी जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, इसके ऊपर भी गुंबद बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है चारों तरफ देखोगे तो गैलरियाँ बनी रखी इन्होंने। ठीक है, उस ज़माने में गैलरी से इनका डिज़ाइन किया गया था। और इसके नीचे भी बताया, ये भी जाता है कि बेसमेंट हुआ करता था, और शायद वो आज भी जो है बेसमेंट है, वो आज भी बेसमेंट हैगा। और हम लोग जब इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों जो जोधा भाई हैं उनके मकबरे के अंदर आ चुके हैं। और इस मकबरे के अंदर दोस्तों चारों तरफ जो है ऐसे ही आप देख रहे होंगे, ऐसे ही जो गलियारे बना रखे इन लोगों ने। ठीक है, और ये देखिए, और जोधा भाई के जो कब्र है वो इस मकबरे के ठीक नीचे ही है। तो ये है दोस्तों जोधा भाई का जो मकबरा है, हम उसके ठीक अंदर खड़े हुए हैं और इसके अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सीढ़ियों से उतरने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद आपको ये कब्र दिखाई देगी। ये देखिए, तो ये है दोस्तों जलालुद्दीन अकबर की बीवी जो जोधा भाई है उनकी ये कब्र है। मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है उनकी कब्र। जोधा भाई दोस्तों 1542 में उनका जन्म हुआ था और 1562 में उनकी शादी हुई थी। और जहांगीर ने दोस्तों उनका ये मकबरा बनवाया था, 4 साल के अंदर जो है ये मकबरा बनके कंप्लीट हुआ था। और ये इस मकबरे से रिलेटेड कुछ और भी कहानी किस्से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हिंदुस्तान की पहली मरियम उज़ ज़मानी, हिंदुस्तान की पहली मलिका जिन्होंने राज किया, ठीक है, उनका नाम है जोधा भाई, जिनको आज जो है जोधा भाई के नाम से जाना जाता है। और मैं आज उनके मकबरे के पास में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो 1542 में उनका जन्म हुआ और 1562 में उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, उसके कुछ साल बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद जो है जहांगीर ने उनका ये मकबरा बनवाया। काफ़ी बड़ा मकबरा है और एक जो है भूल भुलैया टाइप का मकबरा है। तो हिस्ट्री यह है दोस्तों, जोधा भाई जो है एक हिंदू घर में पैदा हुई थी, लेकिन शादी के बाद अकबर ने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया कि तुम अपना धर्म चेंज करो या कन्वर्ट हो। उन्होंने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया, बल्कि वो खुद सारे धर्मों को मानने वाले थे। इसीलिए उन्होंने अकबर का जो मकबरा है वहाँ पे एक इलाही दरवाज़ा बनाया, सारे धर्मों को देखते हुए, सारे धर्मों को ध्यान में रखते एक इलाही दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, इसीलिए शायद उनके दिल में ये था कि मैं अपनी बीवी कभी जो जोधा भाई थी उनका धर्म कन्वर्ट नहीं करवाऊँ। तो बात करते हैं दोस्तों उनकी मृत्यु की। उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1623 में मृत्यु हो गई थी उनकी, और 1627 तक इसी बीच में जो जहांगीर उनका बेटा था, जिनको आज सलीम के नाम से भी जाना जाता है, इसी बीच जो है उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया। काफ़ी साल में ये मकबरा जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों, जोधा भाई का मकबरा और अकबर का मकबरा दोनों में जो दूरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है। शायद कुछ फीलिंग्स की वजह से उन्होंने, उनका जो बेटा था जहांगीर, उन्होंने पास में ही उनका मकबरे का निर्माण करवाया। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि जो अकबर थे जलालुद्दीन अकबर, उनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन आपको पता है कि राजनीतिक में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और उसके राजनीति के लिए चाहिए एक वारिस।
तो दो बीवी होने के बाद अकबर की मतलब औलाद नहीं हो रही थी, उनको बच्चा नहीं हो रही था, उनको वारिस नहीं था। तो उनके जो बड़े थे, जो गुरु हुआ करते थे, उन्होंने सलाह दी कि आप एक तीसरी शादी और कर ले, शायद उनसे एक बच्चा हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जोधा भाई से उनका रिश्ता आया और उन्होंने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। उस जमाने में दोस्तों ऐसे कुछ नफरत वगैरह थी नहीं। ठीक है, तो जोधा भाई जो एक गैर मुस्लिम थी, उनसे उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है जहांगीर का जन्म हुआ, जिसको आज सलीम के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की एक कुछ राज हैं जो मैंने आपको शेयर किए, आपको बताया इस व्लॉग में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।